विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे। आज की वीडियो में आप पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत करते हैं, व्रत को रखते हुए कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। और पूर्णिमा तिथि पर व्रत कथा सुनने से तथा व्रत में नियमों का पालन करने से सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा समस्त प्रकार के सुख वृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। तो प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यह सुनकर यशोदा जी श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, सुनो, इस पृथ्वी पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बहुत प्यार से रहते थे। घर में उसके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उन दोनों को एक बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन खाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा से प्राप्त अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उन योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित अर्थात भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, इसीलिए भ्रष्ट हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। यह सुनकर वह अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी से यह सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना। सुबह होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से, गणपति जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। जैसे ही उनके पुत्र देवीदास को 16वां वर्ष लगा तो उनके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। फिर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, लेकिन यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया। तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, मतलब एक प्रकार का रोग जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, लकवा हो गया। फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के जो अन्य कार्य होंगे वो मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बन जाएगा। मामा को लालच आ गया था। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। फिर मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन वो दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उस दुल्हन को बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी सी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह लड़की तो बहुत ही दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर मन हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, अर्थात जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। सुबह होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुनाएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ पहुंचे। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने बहुत खुशियां मनाई, आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा बेटा देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया, तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह गए। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक अन्य कथा के अनुसार पूर्णिमा व्रत की जो लौकिक कथा आती है वह इस प्रकार है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और पूरा व्रत करती थी। वहीं पर छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानती थी और नियमों को सही से पालन नहीं करती थी। समय बीतता गया, दोनों विवाह करने योग्य हो गई। जब दोनों बेटियां विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर में समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर में भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी बात कही, अपनी व्यथा कह दी और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण से तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस प्रकार से ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा अपनी बहन को दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत ही रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर बहुत गुस्सा हुई, बहुत क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, आपके तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी आपकी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। छोटी बहन को भी बहुत सुख प्राप्त हुआ और उसके यहाँ भी बहुत सुंदर संतान प्राप्त हुई और सभी प्रकार के सुखों को भोग करके दोनों बहनें अंत समय में वैकुंठ लोक को चली गई। जिस प्रकार मां लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। इस प्रकार इस व्रत की कथा को जो कोई भी सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कथाएं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कथाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की कथाएं समय पर मिलती रहें और हमारे चैनल पर सभी प्रकार के व्रत त्योहार से संबंधित शुभ मुहूर्त, हर महीने सुने जाने वाले महात्म्य कथाएं सुनाई जाती हैं। तो अगर आप यह सभी जानकारी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।